तब्बू, करीना कपूर एंड कृति सैनन स्टारर क्रू थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है एंड इस फिल्म को मैंने देखा। तो सबसे पहले बात करता हूँ इस फिल्म की स्टोरी के बारे में। तो इस फिल्म की स्टोरी तीन एयर हॉस्टेसेस के बारे में है जो कि एक एयरलाइन में काम करती है, पर उनकी सैलरी बहुत कम है, उनकी ज़रूरतें नहीं पूरी हो पा रही हैं, इसलिए उनको कहीं से पता चलता है कि उन्हीं के क्रू का एक मेंबर गोल्ड स्मगल करता था। तो अब उनके जगह पे ये लोग गोल्ड स्मगल करने लगती है, जो कि हमको ट्रेलर में भी थोड़ा बहुत दिखाया गया है। तो उसके बाद की क्या स्टोरी होगी, क्या वो लोग पकड़ी जाती हैं या नहीं पकड़ी जाती है, क्या करती हैं, ये हमको फिल्म में दिखाया गया है। पूरी की पूरी स्टोरी इसी के अराउंड रिवॉल्व करती है। सो द स्टोरी इज वेरी यूनिक, कुछ डिफरेंट है, बट कुछ जगहों पर इलॉजिकल भी लगता है, जैसे कि इतने बड़े होटल या फिर इतने बड़े एयरलाइंस के लड़कों का ठरकी होना एंड कोई भी वीडियो देख करके अपना काम धंधा छोड़ करके निकल जाना। सो ये चीज़ें थोड़ी बहुत इलॉजिकल लगती है, बट ओवरऑल जो स्टोरी है वो ठीक ठाक है। स्क्रीन प्ले की मैं बात करूँ तो स्क्रीन प्ले इस फिल्म का कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, ठीक ठाक एंगेजिंग है, कुछ कुछ जगह पर आप बोर फील होगे एंड एंड में आपको ऐसा ज़रूर लगेगा कि यार फिल्म कब खत्म होगी। तो ऐसा टाइप का इस फिल्म का स्क्रीन प्ले है। कॉमेडी की मैं बात करूँ तो कोई खास कॉमेडी है नहीं, कुछ जो पंच लाइन्स हैं वो ठीक ठाक से हैं, आपके चेहरे पर स्माइल शायद एक दो बार आ जाए पूरी फिल्म के दौरान, बट एवरेज सी स्क्रीन प्ले है इस फिल्म का। डायरेक्शन की मैं बात करूँ तो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं राजेश कृष्णन, जिन्होंने इससे पहले रूटकेस जैसी बहुत ही बढ़िया कॉमेडी फिल्म बनाई है, बट इस फिल्म के क्योंकि वो राइटर नहीं है तो शायद इसीलिए ये फिल्म शायद उतनी अच्छी नहीं बन पाई है इन टर्म्स ऑफ स्क्रीन प्ले। बट डायरेक्शन इस फिल्म का अच्छा है, कहीं पे भी कोई कमी नहीं है एंड फिल्म देख करके वो फील होता है कि हाँ बड़े प्रोडक्शन हाउस की फिल्म में अच्छा खासा खर्चा किया गया है। बट अनफॉर्चुनेटली राजेश कृष्णन लूट के जैसा कुछ क्रिएट नहीं कर पाए। इसके अलावा फिल्म में दिलजीत दोसांझ एंड कपिल शर्मा का कैमियो भी है, जो कैमियो कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट तो नहीं डालता है, बट ठीक ठाक सा है उनका कैमियो। कपिल शर्मा का अच्छा रोल है एंड दिलजीत दोसांझ का भी जो करेक्टर है वो अच्छा है और ठीक लगता है, बट कोई ऐसा फील नहीं होता कि इसके लिए किसी स्टार को लाने की ज़रूरत थी, बट ठीक ठाक सा करेक्टर है उनका। बाकी के कास्ट की मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ तो परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है, स्पेशली तब्बू ने बहुत ही अच्छे से अपने करेक्टर को प्ले किया है। बाकी की भी जो एक्ट्रेसेस हैं कृति सैनन एंड करीना कपूर, सभी ने बहुत ही अच्छे से अपने करेक्टर को प्ले किया है एंड जिस तरीके से प्ले करना चाहिए था उसी तरीके से किया है, बिकॉज कैरेक्टर्स में कुछ खास था नहीं करने को, बट फिर भी अच्छे से उन्होंने पुल ऑफ किया है अपने करेक्टर्स को, जो कि अच्छा खासा इंगेजिंग तो लगता है देखने में। बाकी वीक पॉइंट इस फिल्म का एक ये भी है कि कैरेक्टर्स का जो बैकग्राउंड है उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया नहीं गया है, कैरेक्टर्स के साथ आप वो इमोशनल डेप्थ नहीं फील कर पाते हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऐसी टाइप की फिल्म में कि आप इमोशनली कैरेक्टर के साथ अटैच हो बट आप इमोशनली इन कैरेक्टर्स के साथ कनेक्टेड फील नहीं करते हो, जो एक मुझे कमी लगी राइटिंग वाइज। बाकी परफॉर्मेंस के हिसाब से जैसा उनको करना था उन्होंने किया है। म्यूजिक एंड बैकग्राउंड की मैं बात करूँ तो म्यूजिक एंड बैकग्राउंड इस फिल्म का अच्छा है, वो एक गाना है उसी को इन लोगों ने बार बार बैकग्राउंड में बजाया है। बाकी दिलजीत दोसांझ का एक गाना है फिल्म में जो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा एंड बैकग्राउंड स्कोर ठीक ठाक सा है एंड गाने भी ठीक ठाक से हैं, स्पेशली दिलजीत वाला गाना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। सो म्यूजिक एंड बैकग्राउंड भी इस फिल्म का अच्छा है। सो ओवरऑल क्रू मुझे एक अच्छी डिसेंट सी फिल्म लगी, जो अगर आप चाहो तो जाकर के देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि फिल्म को देख करके आप बहुत ही ज़्यादा हंसोगे, इनफैक्ट आपको हंसी आएगी ही नहीं, उससे अच्छा आप मडगांव एक्सप्रेस जाकर के देखो, जो मैंने देखी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी एंड अनफॉर्चुनेटली मैं उसका रिव्यू नहीं कर पाया था बिकॉज उस टाइम पे मैं थोड़ा बिजी हो गया था तो मैंने थोड़ी लेट देखी, बट मडगांव एक्सप्रेस बहुत ही अच्छी फिल्म लगी मुझे, जो कि आप लोग अगर चाहो तो जाकर के देखो वो फिल्म, मैं तो कहता हूँ ज़रूर देखो, वो बहुत ही अच्छी फिल्म है। एंड क्रू आप चाहो तो देख सकते हो अगर आप फैन हो इनमें से किसी के तो, बाकी मतलब कोई खास फिल्म है नहीं। मैं इस फिल्म को देता हूँ 2.5 out of 5 star। ये रिव्यू पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ऐसी और भी वीडियोस पड़ी हुई चैनल पर जाकर के देखो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।